जब तक दलपति जिंदा होता बद्रीनाथ का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शुक्रिया, आप जो भी हैं, मेरी जान बचाने की आपकी वजह जो भी है, इस वक्त आपने पछता। बद्रीनाथ, दलपति तुमका आजाद किया, तुम जा सकता है, जाओ। बद्रीनाथ का आपको एक बार फिर शुक्रिया। रुक जाओ, ये नहीं जा सकता, ये हमारा शिकार है, पकड़ लो इसे। तुम काका समझता, तुम आजाद हो गया, हम का शाकालपति का शिकंजे से तुम नहीं बच सकता, समझो। शकल, तुम दलपति देवता का हुक्म तोड़ता, ये बात दलपति देवता को बर्दाश्त नहीं। गिरफ्तार करो शकल का। खबरदार दलपति देवता, ये तुम्हारा इलाका नहीं है, ये दमदमी माई का कोठार है। दमदमी माई से दुश्मनी मुनासिब नहीं है। दम दमा डम दम दमा डम दम दमा डम दम दमा दम दमा डम दम दमा डम दम। दलपति देवता, अब देखो ये दमदमी माई तुम्हारा क्या हश्र करती है। देखा तुमने, ये दमदमे की पहली शुरुआत थी। दम दमाडम दम दमाडम दम दमाडम दम दम दलपति देवता, मैं आपसे ज्यादा चाहूंगा, मेरे पास वक्त बहुत कम है। दलपति जानता लेकिन दलपति देवता, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। आपने मेरे लिए सब क्यों किया? वो किसी का ख्वाहिश पूरा करने के लिए है। किसी की ख्वाहिश? कौन है वो? दलपति देवता तुमको उसका नाम नहीं बताता, वो हमारा अजीज होता। उसका नाम नहीं लेने का हमने उसका वचन दिया है। लेकिन उस गुमनाम को मेरे मकसद और मेरी जिंदगी की इतनी फिक्र क्यों है? कौन हो सकता है वो? ठीक है दलपति देवता, आपने उसका नाम नहीं बताने का वचन दिया है, लेकिन उसको मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना। मैं उसका जिंदगी भर परेशान रहूंगा। बद्रीनाथ, तुम जाओ और अपना फर्ज पूरा करो। तुर्रा, गुमनाम शुभ चिंतक वही तो नहीं है जिसने महल में मुझे भाला फेंक कर सूचित किया था।
सावधान, जिस पथ से तुम जा रहे हो वो सुरक्षित नहीं है। बिटवा जो बोया ऐसा ही सजा पाया, लेकिन ओझा इका बचाना, हर हाल में बचाना। इकरा ऐसा सजा दिया कि इसकी जिंदगी शायद 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 का शायद ओझा इका जान बचाना, इसका जान जाता तो तुम्हारा श्यामत आता, समझा? दलपति देवता, हमरे को गुस्सा काहेगा? इकरा जिंदगी तो तुम्हें बिगाड़ो। अब हमका कहा था इकरा का जिंदगी हर कीमत पे बचाओ। ताजुब है? ताजुब? कहा ताजुब? कहा ताजुब? दलपति देवता वचन दिया, बिठवा वो बिठवा। दलपति देवता का वचन का आगे दुनिया का हर चीज छोटा होता। दलपति देवता प्रणाम। ये तो बहुत बुरी तरह से घायल हो गया है, इसकी हालत कैसे हो गई? हमने इसको चोट दिया। आपने? आपने इसकी ये दुर्दशा की है? ये बदरी का रास्ते में आड़े आया ना तेज सिंह, दलपति देवता तुमको वचन दिया रहा ना, ये उस वचन के रास्ते में आया। धन्य हो दलपति देवता, मुझे दिए हुए वचन के लिए आपने अपने सगे बेटे की यह हालत कर दी, और वो भी तब जब इस तेज सिंह से आपका कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता? रिश्ता है तेज सिंह, रिश्ता है तेज सिंह, ये वो रिश्ता है जिसका कोई नाम नहीं, कोई नाम ही नहीं। ये दिल का रिश्ता होता, दिल का। न जाने कहे तेज सिंह, तू हमारा बिटवा नहीं, तब भी बिटवा लगे रे। दलपति देवता, मुझे भी आज एहसास हुआ कि आप मेरे पिता से कम नहीं है। दलपति देवता, अब इकरा का होश काबू में आता। आराम कर, आराम कर, आराम कर। भगवान का लाख लाख शुक्र है इसकी जान बच गई। हाँ तेज सिंह, अब हमका बदरी का फिक्र होता। फिक्र तो मुझे भी है दलपति देवता। बद्रीनाथ जब शनि को पकड़ने के लिए रवाना हो रहा था तो मैंने गुमनाम संदेश भेजकर उसे रास्ता बदलने के लिए आगाह किया था, मगर वो मेरी बात नहीं माना। तेज सिंह, हमका एक बात समझ में नहीं आता, तुम गुमनाम रहकर उसका जान क्यों बचाता? तुमने हमसे भी उसका जान बचाने का वादा लिया और अपना नाम गुमनाम रखने को बोला, आखिर क्यों? इसकी एक खास वजह है दलपति देवता। कौन वजह थी इसे? बद्रीनाथ ने एक बार मेरी जान बचाई। के
बद्रीनाथ, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। उसके उस एहसान का बदला मैं नहीं चुका सका। एहसान की जगह मेरी साथी ने धोखे से बद्रीनाथ को जख्मी कर दिया और इसलिए वो मुझे कायर समझता है। मैं और कायर दलपति देवता? नहीं तेज सिंह, नहीं, तुम कायर नहीं। लेकिन तेज सिंह, तुम खुद एक बार उसके सामने जाओ और अपना एहसान कबूल करो, नहीं तो वो तुमको हमेशा कायर और अपना दुश्मन समझेगा। तेज सिंह, तुम ऐसा क्यों करता? तुम नहीं समझ सकता। मुझे बद्रीनाथ के सामने जाते हुए पता नहीं क्यों एक शर्मिंदगी का एहसास होता है दलपति देवता। तुर्रा, अब समझा। हाँ, लेकिन अब आपने उसकी जान बचा ली, उसके वो एहसान का बोझ मेरे सर से उतर गया। तेज सिंह, तुमका दिया वचन पूरा करके दलपति देवता का संतोष हुआ कि ई बिठवा का दिया वचन पूरा किया। तुर्रा, जहां भी हो सामने आओ। आज तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते। शरी, तुम कौन असभ्य हो और तुम किसकी इजाजत से इस तरह अंदर दाखिल हुए हो? किसी को मुझे शनि से जरूरी हिसाब चुकाना है। मेरे पास समय बहुत कम है, जाओ मेरे सामने। प्रबंधक, अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम बच नहीं पाओगे। आज शनि को बदली के हाथों से कोई नहीं बचा सकता। बद्रीनाथ, क्या तुम चिनारगढ़ के अय्यार सेनापति बद्रीनाथ तो नहीं हो? हाँ, मैं वही बद्रीनाथ हूँ। लेकिन आप तुम्हारा नाम कैसे मैं? इसलिए कि मैं जगन्नाथ का पिता पुष्करनाथ हूँ। आप पंडित जगन्नाथ के पिता पुष्करनाथ? जीते रहो। अनजाने में मुझसे जो दुर्व्यवहार हो गया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये बताओ, शनि से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? शनि से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं, मेरी जो भी दुश्मनी वो पंडित जगन्नाथ की वजह से। बद्रीनाथ, मैं समझा नहीं, तुम जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। सुनिए, आपके बेटे पंडित जगन्नाथ को उसके सगे भाई ने पूरे चुनारगढ़ में जलील किया है। शनि ने सभ्य का कत्ल किया है और इल्जाम का दाग लगा है पंडित जगन्नाथ पर। और आप जानते हैं शनि की इस वैश्य हरकत की वजह से चुनारगढ़ का शाही फैसला क्या मुकर्रर किया गया है? उस ईमानदार नेक और बेगुनाह पंडित जगन्नाथ को मौत से ही बदतर मौत की सजा दी जाए। नहीं, उसको अपने अजीज चुनारगढ़ से तेज निकाला दिया जाए। नहीं, उसके पास मुंह काट करके घर से अलग कर दिया जाए। नहीं, नहीं, नहीं। अगर अब भी आपने पंडित जगन्नाथ की प्राणों की रक्षा के लिए शनि को मेरे हवाले नहीं किया तो आपका वो नेक और ईमानदार बेटा
आने वाले कल तक के लिए न सर उठाने के लायक रहेगा न जीने के लायक रहेगा। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, तुम अंदर जा सकते हो। अब धन्यवाद। शनि